हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी को पसंद आने वाली मिठाई काजू कतली बनाएंगे। इसे हम बहुत ही कम चीजों से और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ये बारीक वाली जो काजू है वो हमने लिए हैं। इसका सबसे पहले हम पाउडर बनाएंगे, इसे ग्राइंड करेंगे। इसे हम एक बार नहीं दो बार पीसेंगे, एकदम बारीक पीसेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एकदम बारीकी पीस लिया इसे। हम इसे एक बॉल भी निकाल लेंगे। तो काजू को देखिए एकदम हमने महीन पीस लिया, एकदम पाउडर बना लिया इसका अच्छे से। गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा लिया है। अब हम डाल रहे हैं 3/4 शुगर, आधी कटोरी हमारी, एक कटोरी शुगर था तो आधी कटोरी में इसमें पानी डाल रहे हैं। पहले हम जो शुगर डाले हैं उसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जो शुगर है हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम डाल रहे हैं काजू पाउडर, क्योंकि हमें दो बनाना है। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम कम कर देंगे, हम लगातार चलाते होंगे, दो बनाएंगे जमने की कंसिस्टेंसी तक। इसे हम चलाते रहेंगे इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। हम डाल रहे एक बड़े चम्मच से देसी घी। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट बनी है, एकदम कढ़ाई भी नहीं लगा, एकदम तेल घी को एकदम एब्जॉर्ब कर लिया है काजू। तो हम इसे अब किसी बर्तन में निकाल लेंगे इसे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक थाली, इसमें थोड़ा सा हम इस तरह से घी लगा के थाली को ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसे निकालेंगे थाली में। देखिए हमने थाली में अच्छे से काजू को जो बनाया था डो एकदम अच्छे से हमने सेट कर लिया है। अब हम इस पे सिल्वर लीफ लगाएंगे। तो सिल्वर लीफ हमने यहाँ पे लगा ली है एकदम अच्छे से। हमारी बर्फी एकदम परफेक्ट बनी है। अब इसे ठंडे होने के लिए आधे घंटे तक फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो एक घंटे हो गए हैं, ये अच्छे सेट हो गया है। काजू कतली बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इस चाकू से की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। देखिए हमारी बर्फी कितनी अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी है ये, खाने में बहुत टेस्टी है ये। इस तरह से इस मिठाई को ट्राई करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू।